हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मौजूद हैं, अपनी अपनी नशस्तें संभाल रहे हैं और दिखाई ये दे रहा है कि बस अब से थोड़ी ही देर में ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये शुरू हो जाएगी। और अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें हम तो दोनों रहनुमा जो हैं इस वक्त इंतहाई ज़्यादा, अगर ये कहा जाए कि मुस्कुराहट तो दोनों में से किसी के चेहरे पर भी दिखाई नहीं दे रही है, सिवाय रजा हारून के जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और बार बार जब वो कारकुनान को हिदायत कर रहे हैं पीछे हटने की, मुनज़्ज़म तरीके के साथ बैठने की, तो उनके चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट है। लेकिन अभी मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो थोड़ा बरहम दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं और लोगों से लाउडली कह रहे हैं कि वो यहाँ से पीछे हट जाएं, क्योंकि जब फारूक सत्तार रिक्वेस्ट कर रहे थे तो कोई यहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं था। और अभी डॉक्टर फारूक सत्तार ने बोलना शुरू कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। फोटोग्राफर और कैमरामैन भाइयों यहाँ मौजूद, पीछे वालों को प्रॉब्लम, बैठ जाओ। यहाँ मौजूद यहाँ मौजूद डीएसपी की लीडरशिप, सैयद मुस्तफा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई और उनके दीगर अराकीन कारकुनान M2M के डिप्टी कन्वीनियर्स, राबता कमेटी के अराकीन और कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम। मैं एक मरतबा फिर ये जो फोटोग्राफर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपकी वजह से तुम सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो, बस ईमान से सारा व्यू ब्लॉक हो रहा है। इधर आ। मैं कराची क्या करें, सीधा करें ना, आप बोलते रहे, आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी भाई, हट जाओ, वो इनको ब्लॉक हो रहा है। कारकुनान नहीं है भाई आपके, ये कारकुनान नहीं है यार, ये यार आप लोग खड़े हो जाओ ना, क्या कर रहे हो, आप लोगों की तस्वीरें हो गई दोस्त, आपकी वजह से आप बैठ के कर लो ना, आप बैठ के एक दफा कह रहे ध्यान कर लो और चले गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने भी शुरू ही की थी कि उनको रुकना पड़ा चूंकि बदनज़मी कुछ देखने में आ रही है, लोग बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, पार्टी कारकुनान भी मौजूद हैं, मीडिया के नुमाइंदे भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, फोटोग्राफर्स कैमरामैन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इसलिए उनको पीछे हटने को कहा जा रहा है ताकि जो पीछे लोग मौजूद हैं जिनके पास कैमरे हैं वो यहाँ पर इन फुटेजेस को कैप्चर कर सकें। और इसी दौरान कुछ बदनज़मी भी यहाँ पर देखने में आई, पता नहीं चल पा रहा कौन पार्टी कारकुन है कौन नहीं है,
और मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन तमाम लोगों को साइड में होने का मुस्तफा कमाल इस वक्त कह रहे हैं। नजदीक के बाद हमने यहाँ पर ये भी देखा कि डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से एक जुमला सामने आया कि लगता यह है कि गर्मी कुछ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो जज्बाती हो रहे थे, बात मानने को तैयार नहीं थे, और ऐसे में एक शख्स ऐसा दिखाई दिया जो बहुत ज्यादा आगे आना चाह रहा था, लेकिन मुस्तफा कमाल ने कहा कि ये कारकुन नहीं है, मालूम नहीं ये कौन लोग हैं। और उसके बाद उन्हें बताया गया कि कुछ फोटोग्राफर्स हैं जो तस्वीरें लेना चाहते हैं, और अब उन्हीं फोटोग्राफर से मुखातिब है मुस्तफा कमाल, और उन्हें कह रहे हैं कि वो एक तरफ हट जाएं ताकि तमाम मीडिया को इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज करने के लिए आसानी हो। और अब एक बार फिर अपनी नशस्तों पर बैठकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने की कोशिश की जा रही है, और अब लगता है कि दुरुस्त और मुनज्जम तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज अब होने वाला है। साहबी हजरात, फोटोग्राफर, कैमरा मैन, दोस्तों, पीएसपी और एमपीएम पाकिस्तान ताल्लुक रखने वाले लीडरशिप, देर बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हो रही है क्या होता है। मैं तमाम सहाफी भाइयों, फोटोग्राफर और वीडियो कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूं, कराची प्रेस क्लब के अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कैब उतारो, कैब टोपी, कैब उतारो, कैब उतारो, एमक्यूएम पाकिस्तान उतार लो, और पाक सरजमीन मुश्तरका तौर पे कर रही है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से होस्ट की गई, इसकी मेजबानी हम कर रहे हैं। चूंकि हमारे मेहमान दोस्त और भाई आ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप खामोशी इख्तियार करेंगे ताकि हम अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें। मैं पीएसपी के दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं, वो आज हमारे साथ यहां एक फिक्र का और सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान और कराची बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है, बिलखुसूस कराची और सिंध के शहरों में सियासत करने वाली जमातों ने इस जिम्मेदारी को महसूस किया कि हमें सिर्फ सिंध के, कराची और सिंध के शहरी इलाकों के नहीं, हमें पाकिस्तान के मसाइल को भी हल करना है, हमें पाकिस्तान को एक लीडरशिप फराहम करनी है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुसूसी मकसद यह है कि सिंध, सूबा सिंध और शहर कराची में यहां के वोट बैंक की तकसीम को रोका जाए, नंबर एक। नंबर दो, अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की पॉलिसी को हर हाल में कामयाब किया जाए। नंबर तीन, अमन को देरपा अमन में तब्दील किया जाए। यहां
किसी भी सियासी इख्तलाफ को लेकर हर हाल में बदअमनी को रोका जाए। सियासी तशद्दुद को किसी हाल में दोबारा कराची में घर करने से रोका जाए। इस मकसद के लिए एक अरसे से पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान एक मशावरती अमल जारी था। उसके नतीजे में इन मकासद को लेके जो मैंने बयान किए, हमने ये फैसला किया कि हम मिलजुल कर सिंध बिलखसूस कराची के आवाम की खिदमत करें, उनके मसाइल हल करें, एक मुत्तहदा कोशिश करें। ये फैसला हमने किया है और एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप और एक सियासी इत्तेहाद या पॉलिटिकल अलायंस कायम करें सिंध के लिए भी और बिलखसूस सिंध के शहरी इलाकों के लिए। हमने ये फैसला किया है और इसी प्रोग्राम को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। यानी अमन को देरपा बनाना, अदम तशद्दुद अदम तसादुम की पॉलिसी को हर हाल में कामयाब बनाना और यहाँ के वोट बैंक को तकसीम होने से रोकना, ये बुनियादी मकासद। इसी के साथ साथ देखें, ये वो मकासद हैं जो के सिर्फ कयादत की दानिश को ही नहीं मांगती बल्कि यहां स्टेट्समैनशिप की जरूरत है। कराची 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर है। चुनाचे एक मुश्तरका और मस्बत एफर्ट की जरूरत है, एक मुश्तरका और मस्बत कोशिश की जरूरत है और उसी के नतीजे में आज हम इकट्ठा होकर एक साथ यहां आपके सामने हैं। हम ये भी समझते हैं कि इस तासुर को लेकर कि इस कराची और सिंध के शहरों का वोट बैंक तकसीम हो गया, जो दही सिंध के वडेरे हैं उन्होंने खास तौर पर इस तासुर को एक्सप्लॉइट किया और उन्होंने सियासी मैदान में शहरी इलाकों में भी सियासी एनक्रोचमेंट की, एक हासिबाना कब्जा हुआ सिंध के शहरी इलाकों में भी। हमने अपनी मुश्तरका कोशिश और एफर्ट से, मस्बत एफर्ट से, हमारा ये अज़्म भी है कि हम इस नाजायज गासिबाना कब्जे को भी खाली कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, बिलखसूस शहरी सिंध में और बिलअमूम दही सिंध में भी इस गासिबाना कब्जे को हम खत्म कराएंगे। हम ये समझते हैं कि एक सियासी इत्तेहाद कराची सिंध और पाकिस्तान की जरूरत है, वक्त की जरूरत है और ये इत्तेहाद की मोडालिटीज क्या होंगी, इस इत्तेहाद का नाम क्या होगा, ये आइंदा हमारी बकायदा मीटिंग्स होंगी उसमें हम उसके फ्रेमवर्क को तय करेंगे और अपने मकासद को भी पूरी तरह से हम उसमें अपना एक नैरेटिव देंगे। मैं ये समझता हूं कि खास तौर पर आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी जो मस्बत कोशिश हम कर रहे हैं, जो मुश्तरका कोशिश हम कर रहे हैं, इसको लेकर ये पॉलिटिकल अलायंस तो है, एक सियासी इत्तेहाद तो है,
हम ये भी समझते हैं कि हमारी स्टेट्समैनशिप इस बात का तकाजा करती है कि हम आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी एक मंशूर, एक नाम और एक निशान को लेकर अपनी मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली भी वजा करें। ये भी हमने आपस में तय किया है और इसकी मोडालिटीज़ भी, तफसील भी इंशाल्लाह ताला हम बैठेंगे तो हम तय करेंगे। मैं इस मौके पर ख़ास तौर पर एमक्यूएम के कारकुनान को और बिलमूम पीएसपी के कारकुनान से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो हमारे इस मफाहिमाना अमल और मफाहिमती पॉलिसी पर अमल दरामद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। हम ये नहीं चाहते कि जब हम इंतखाबी मैदान में उतरें तो हमारे कारकुनान के दरमियान पोलराइजेशन हो, कशीदगी हो। कराची इस बात का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता कि 90 की दहाई की तरह यहाँ पॉलिटिकल वायलेंस हो और उसकी आड़ में दूसरा तशद्दुद भी अपनी जगह बनाए। हम इस चीज़ को सख्ती के साथ मुस्तरद भी करते हैं और इसका रास्ता भी रोकेंगे। और हमारे कारकुनान के दरमियान हम एक ऐसी अफाम और तफीम की फ़िज़ा कायम करेंगे कि मुझे यकीन है, उम्मीद है कि हम तशद्दुद को किसी जगह आने का मौका नहीं देंगे। ये भी हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। और आखिरी बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि हमारी जो भी आइंदा की हिकमत अमली होगी, लाए अमल होगा, हम जैसे जैसे उसे वजा करेंगे, तय करेंगे, आपस में बैठेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम आइंदा भी आपके सामने, उसकी तफसीलात भी आपके सामने हम लाते रहेंगे। मैं एक शेर पढ़कर आपसे इजाज़त दूँ और फिर मुस्तफा कमाल भाई को ये माइक हैंड ओवर करूँ कि हम लोगों को ये भी एतमाद देते हैं कि ये ताल्लुक़ या ये जो अलायंस कायम कर रहे हैं इसमें हम इंशाअल्लाह सिंध के शहरों की भी और दही इलाकों की दीगर जमातों को भी दावत देंगे। ये मेरा ख़्याल है कि महाजन कौमी मूवमेंट हकीकी या MIT भी जो एक अरसे से इस कराची में और सिंध के शहरों में सियासत कर रहे हैं तो उनकी जो कुछ भी कोशिशें रही हैं उसका भी कहीं ना कहीं उसकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। फिर मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे इस इश्तराक अमल से जो फ़िज़ा कायम होगी उससे वो रास्ते भी इस्तवार होंगे कि अगर जहाँ एक छापे गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है MQM के कारकुनान का या PSP के कारकुनान का, और अगर वो बिला जवाज है तो वो सिलसिला भी रुकेगा। जो लापता कारकुनान है मुझे यकीन है कि उनकी बाजियाबी का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। अगर हमारे दफातर जो जायज़ हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है और सील हैं, मुझे उम्मीद है कि वो दफातर भी हमें वापस मिलेंगे और जो ड्यू पॉलिटिकल स्पेस है हमारी और PSP की, वो ड्यू पॉलिटिकल स्पेस जो है वो हमें ज़रूर मिलेगी। ये जन गुजारिशात है। और उसके साथ साथ ये आज ख़ास तौर पर हमें जो एतमाद मिला और हमने ये कल रात को फैसला किया तो उसमें मैं कराची और सिंध के अवाम का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने 5 नवंबर इतवार के हमारे जलसे को कामयाब किया। अवाम की उस हिमायत ने, उस कामयाब जलसे ने हमें ये हौसला दिया, हमें हमारे इस प्रोग्राम की तायीद मैं समझता हूँ कि अवाम ने की है और हम उस हिमायत और तायीद को लेकर आज इस प्रोग्राम के साथ आपके सामने आए हैं।
हमने अपनी ईगो और अपनी अना को एक तरफ रखा है। इनके कारकुनान में भी मैं समझता हूं कि एक सवाल होगा, हमारे कारकुनान में भी होगा, लेकिन ये लीडरशिप का काम है, ये स्टेट्समैन का काम है कि हमें उन्हें ये बताना है कि हम कराची को उसकी खोई हुई अजमत लौटाना चाहते हैं। हम महाजरों पर होने वाले मजालिम और नाइंसाफियों का इजाला चाहते हैं, रोजगार में उनका पूरा हिस्सा चाहते हैं, तालीमी इदारों दाखिलों में उनका पूरा हिस्सा चाहते हैं, तरक्याती फंड्स में उनका पूरा हिस्सा चाहते हैं, मर्दुम शुमारी में उनके एक एक शहरी को गिनवाना चाहते हैं और मर्दुम शुमारी को एक एक फर्द को गिनवाकर जो हमारी नुमाइंदगी का हक है कौमी और सूबाई ऐवानों में, हम उस हिसाब से अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह हमारा मुश्तरका एजेंडा भी होगा जिस पर हम आइंदा भी बात करेंगे। और कराची सिंध के शहरों और सिंध के अवाम की खिदमत का बीड़ा उठाएंगे और ये मुझे यकीन है कि ये आर्जी और जुस वक्ती अमल नहीं है। मैं इस शेर को भी मुस्तरद करूंगा कि अमूमन ये होता है कि पहला मिसरा तो लागू होता है इस सिचुएशन पर कि मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, और दूसरे शेर में फिर काम होता है बारी, मगर ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। तो ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए नहीं है, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और ओवर टू मुस्तफा कमाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب فاروق ستار صاحب بھائی بھائی اور فاروق بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھائی کہا جائے تو جناب فاروق ستار صاحب اور فاروق بھائی ہمارے یہاں سب چلتا ہے اور فاروق بھائی میں تھوڑا سا چینج کر دیا ڈیڑھ سال میں بھائی تھوڑا سا بدنام ہو گیا نا اس لیے हम उसी भाई की खोई हुई अजमत को बहाल कराएंगे इंशाअल्लाह। अगर इशारा उस भाई का है तो वो वाला भाई चल गया, लोग समझते हैं। जनाब 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 फारूक सत्तार भाई उनके साथ आए हुए उनके तमाम रुफका यहाँ पर बैठे हुए तमाम कैमरामैन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों को मेरे साथ आए हुए जनाब अनीस कायम खानी भाई प्रेसिडेंट पाक सरजमीन पार्टी और हमारे रुफका, गर्ज ये कि इस फिल्टार में यहाँ पर जो भी शख्स यहाँ मौजूद है सबको अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई की सारी गुफ्तगू का जो टिपिंग पॉइंट है वो ये है कि आने वाले इंतखाबात में जो हमारी इनसे बात हुई है रात भर और 6 माह में से ये सिलसिला चल रहा है कि आने वाले इंतखाबात में और इंतखाबात से पहले और उसके बाद हमेशा हम एक मंशूर एक सिंबल इंतखाबी निशान और एक पार्टी के नाम से हम अपनी जिद्दोजहद पाकिस्तान के लोगों के लिए करेंगे। तालियां तालियां ना बजाएं। एक पार्टी का नाम, एक सिंबल इंतखाबी निशान और एक मंशूर पे हम अपनी जिद्दोजहद का इरादा करते हैं। मैं पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से फारूक सत्तार भाई की इस बात को एंडोर्स करता हूं, मैं उसकी तायीद करता हूं कि हम तैयार हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम एक सिंबल
और एक पार्टी के नाम से जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं, तो ख्वातीन और हज़रात मैं ये वादा करता चलूं कि फारूक भाई की बात की तशरीह करता चलूं, जो हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और डिसाइड हुआ है कि हमने पहले दिन से अपना यह मौकफ रखा है कि MQM अल्ताफ हुसैन साहब की थी, है और रहेगी। तो डेफिनेटली हम जब ये जद्दोजहद करेंगे तो फारूक भाई हो सकता है कि PSP को ना माने, तो हम ये जद्दोजहद किसी भी ऐसी आइडेंटिटी के साथ करेंगे जो कि कम से कम MQM नहीं होगी, इसलिए कि यह हमारा और इस बात का एग्रीमेंट है, इस बात की बात है। तालियां, हेलो 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 हेलो, जो लोग भी तालियां बजा रहे हैं प्लीज बड़ा मेहरबानी ना बजाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। मैं इस बात का को रिमाइंड कराना चाहता हूं बड़े खुले दिल के साथ और मैं इसको कंक्लूड करूंगा। देखिए, हमने पहले दिन से यह बात की है कि इस शहर में जहां पर लाखों की तादाद में पख्तून रहते हैं, जहां पर लाखों की तादाद में सिंधी रहते हैं, जहां पर लाखों की तादाद में पंजाबी बलोच रहते हैं, फारूक भाई ने इसकी तादाद 3 करोड़ आपको बताई, लगभग इतनी तादाद है, और लाखों की तादाद में दूसरी कौमियतें रहती हैं। अगर इस सिचुएशन में, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में, अगर मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी मुहाजिर कौम के नाम से सियासत करूंगा तो मैं मुहाजिरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला आदमी कहलाऊंगा, और यही नतीजा हुआ है आज तक। इसलिए कि जैसे ही मैंने मुहाजिर का नारा लगाया और सिर्फ मुहाजिरों की बात की तो मैं इस शहर के लाखों पख्तूनों को यह कह रहा हूं, पख्तूनों तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं है, चले जाओ मेरे पास से। इस शहर के लाखों बलोचों को कह रहा हूं चले जाओ मेरे पास से, पंजाबियों चले जाओ मेरे पास से, सिंधियों चले जाओ मेरे पास से, वो चले जाएंगे मेरे पास से, किसी कैंप को जाकर ज्वाइन करेंगे। लेकिन जाते जाते मुहाजिरों के लिए दिल में अपनी नफरत की एक चिंगारी लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं मुहाजिर होते हुए लीडर होते हुए उनको गले लगाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं उनको दूर कर रहा हूं। वो चले जाएंगे अपने अपने कैंप में, फिर कोई उन्हें पख्तून बनाएगा, फिर कोई उन्हें पंजाबी बनाएगा, फिर कोई उन्हें सिंधी बनाएगा, फिर कोई उन्हें बलोच बनाएगा, और नफरत की और मैं अपनी कम्युनिटी को मुहाजिर बनाऊं, फिर नफरत की चिंगारी को कोई हवा दे और वो चिंगारी शोलों में बदले और ये शहर फिर खून और आग उगलना शुरू करे, मासूम माओ के बच्चे फिर इस शहर में उनकी लाशें जगह जगह पड़ती पड़ी हुई मिले, मेरा नुकसान नहीं होगा, फारूक भाई का और उनके रुफका का भी नुकसान नहीं होगा। फारूक भाई का जो ओहदा है उस ओहदे के मुताबिक उनको आज लैंड क्रूजर गाड़ी है उनके पास, मेरे पास भी मेरे दोस्तों ने लैंड क्रूजर गाड़ी दे रखी है। फारूक भाई के आगे पीछे मोबाइल चलती है, प्रोटेक्शन चलती है, मेरे साथ भी आगे पीछे प्रोटेक्शन चलती है। मैं ये नफरत की चिंगारी लगाकर मुस्तफा कमाल नहीं मरेगा, फारूक सत्तार नहीं मरेगा, किसी मासूम माँ का गरीब बेटा मरेगा, बच्चा मरेगा। मैं माओ से माओ की बदवाएं नहीं लेना चाहता, मैं मुहाजिरों की खातिर यह बात कह रहा हूं, मुहाजिरों के हक में यह नहीं है कि वो कटी पहाड़ी से ना गुजर सके, वो रनछोड़ लाइन वाले लियारी से ना गुजर सके, वो चक्रा गोल से कोरंगी वाले ना गुजर सके, और लियारी का बलोच रनछोड़ लाइन ना जा सके, लियाकताबाद ना जा सके, और कटी पहाड़ी का पख्तून नाजमाबाद ना जा सके। ये शहर के उर्दू बोलने वाले
पश्तो बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, बलोचियों, पंजाबियों के हक में नहीं है। और मेरी कम्युनिटी चूंकि शहर में सबसे ज्यादा है, तो अगर इस शहर में एक भी लाश गिरती है, एक दिन के लिए भी शहर बंद होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान मुहाजिरों का होता है। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि पहले पाकिस्तान की खातिर और उससे सबसे पहले मुहाजिरों की खातिर मैं मुहाजिरों की सियासत नहीं करना चाहता। मुहाजिरों की खातिर मैं मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं मुहाजिर नाम पर सियासत करूंगा तो लोग मुहाजिरों की दूसरी कम्युनिटीज को आपस में दुश्मनी हो जाएंगी। मैंने फारूक भाई से बड़ी डिटेल में ये बातें की, इनके रुफका से ये बातें की हैं। इसी बिना पर हम इस बेस पे तैयार हुए हैं कि मेरी कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, मैं पीछे हटूं, फारूक भाई भी मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं, इनके रुफका को अप्रिशिएट करता हूं, इनके कंसीड करने के जज्बे को अप्रिशिएट करता हूं कि फारूक भाई ने भी बहुत ज्यादा बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, बड़े दिल का मुजाहरा किया है, खुले दिलों से सारी बातें हमने की हैं और सच्चाई से हमने रिकॉर्ड को सामने रखते हुए, यकीन जानिए इस बात पे नहीं कि मुझे कितना फायदा है या इनको कितना ज्यादा तौर पे फायदा है या इनकी पार्टी को कितना फायदा है या मेरी पार्टी को कितना फायदा है, हमने इंसानियत इंसानों के फायदे को मुकद्दम रखा है, हमने कराची के रहने वाले इंसानों के फायदे को मुकद्दम रखा है, उसे 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 सुप्रीम रखा है, और पाकिस्तान की सलामती और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को सामने रखकर हम अपने अपने स्टांसेस से पीछे हटे हैं। मैं अपने ऊपर ये क्रेडिट देने से पहले मैं फारूक भाई को मैं सलाम पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी इस बात को कंसीड किया है। जब जाकर ये बात निकली है, हां आज नाम नहीं है, लेकिन हम इस बात पर तैयार हैं कि हम एक निशान पे, हम एक नाम पे और हम एक मंशूर पर साथ मिलकर न कि सिर्फ इस शहर, इस सूबे, बल्कि ऐसी क्यादत निकालना चाहते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए रोशनी का सबब बने, पूरे पाकिस्तान वालों की आवाज बने। हम इस बात पे तैयार हैं और मैं इस पे फारूक भाई का और उनके रुफका का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं आज आपके तवस्सुस से, ये बताना चाहता हूं दोबारा कि हमने इस शहर में 3 मार्च 2016 को आवाज क्यों लगाई थी। क्या मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी से किसी ने उसके ओहदे छीन लिए थे, हमारा कोई जाती नुकसान था? नहीं, हम अपने अपने ओहदों पे थे, अपनी पोजिशनों पे थे। इंसानों का, मुहाजिरों का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क हो रहा था। एक शख्स इन मुहाजिरों को एक ऐसी गहरी खाई में गिरा रहा था जहां से उसकी वापसी मुश्किल थी। रात को वो तकरीर करता था नशे में धुत, सुबह मुहाजिर शर्मिंदा घूमते थे। रात में वो सूबे को दो टुकड़े करने की अंदरूने सिंध में लाखों मुहाजिरों की जिंदगी अगले दिन खराब हो जाती थी, जहां वो सदियों से सिंधी भाइयों के साथ रह रहे, कारोबार कर रहे, जमींदारी कर रहे। अल्ताफ हुसैन साहब की एक तकरीर से, सूबे को अलग करने की एक तकरीर से वो तो तकरीर करके सो जाते थे। यहां पर लाखों मुहाजिरों की जिंदगी अगले दिन से खराब हो जाती थी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे कैमरामैन, मेरे फोटोग्राफर, पाकिस्तान के लोगों, जहां जहां से भी आवाज, जो मेरी आवाज सुन रही है, मेरे रुफका की तरफ से और मेरे कारकुनों में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। मैं आफरीन है मेरे तमाम सेंट्रल कैबिनेट के लोगों पे, आफरीन है तमाम मेरी नेशनल काउंसिल की कमेटी पे, आफरीन है मेरी तमाम कराची डिवीजन के कारकुनान पे, और हमने भी अपने कारकुनों का इस्तेमाल किया। आफरीन है लोग, एक एक कारकुन जो है वो इस अमल के लिए हमारे साथ खड़ा है। किसी का कोई सवाल नहीं है, किसी के जहन में कोई सवाल नहीं है, सबकी ताईद हमारे पास हाजिर है और शामिल है। मैं फारूक भाई के भी कारकुनों का
शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इनको ताईद दी। मैं अपने कारकुनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अनीस कायम खानी भाई को ताईद दी, और जिसकी वजह से आज हम एक तारीखी तारीखी बंधन तारीखी एक ऐसे एग्रीमेंट पे एक ऐसी बुर्दबारी की एक ऐसी मिसाल कायम करने जा रहे हैं जहां पर पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत पीछे चली जाती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस शहर में इस सूबे में और इस मुल्क के लोगों को इंसानों के फलाह का मंसूबा है, उसको किस तरह से उसकी जिंदगी ठीक की जाए, ये सिर्फ उस खातिर ये सारा काम हो रहा है। हम लोग 3 मार्च 2016 से हमने जो जिद्दोजहद की, मैं अपने हाथों से हमने ये पार्टी बनाई है, मैंने इस बात पे जिद नहीं हमने किया है कि फारूक भाई के साथ हमारी बात खुदा ना खास्ता नहीं हो सकती, इनके रुफका के साथ बात नहीं हो सकती, हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, और जैसे जैसे मरहले तय होते चले जाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला मीडिया के जरिए आपको हम खबरें देते चले जाएंगे। हमने करना क्या है इस मुल्क में, हम क्यों कर रहे हैं ये काम? इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे, इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सूबा सिंध में उसकी तादाद 70 लाख है, बच्चे स्कूल जाएं कैसे? इस मुल्क में 3.5 लाख बच्चे 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे वो मर जाते हैं, 3.5 लाख बच्चे 1 साल में माओ के पास एक वक्त का दूध नहीं है पिलाने के लिए, एक वक्त की रोटी नहीं है पेट में डालने के लिए, वो स्कूल कैसे जाएं? ये 2.5 करोड़ बच्चे इस मुल्क में बड़े हो रहे हैं, इस इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं, 1 करोड़ बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, जिनका दिमाग और जिनका जिस्म नहीं बढ़ रहा गिजा नहीं मिलने की वजह से, पीने का साफ पानी नहीं मिलने की वजह से, ये शहर कचरा कुंडी बन गया, इस शहर की दरो दीवार वीरानियों में तब्दील हो गई, इस शहर के पार्क तबाह हो गए, इस शहर इस सूबे के साथ सेंसस में नाइंसाफी कर दी गई, इस शहर में लोग पेंशन ना मिलने पे छलांगे लगाकर खुदकुशी कर रहे हैं, इस शहर में गटर का पानी घर से निकलता नहीं है, पीने का पानी आता नहीं है, लाखों करोड़ों इंसान और उसके बच्चे जो है वो दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे, परेशान हैं, और मैं और फारूक भाई और इनके रुफका और मेरे रुफका इस बात पे बहस करें कि तेरा नाम क्या होगा और मेरा नाम क्या होगा, इस बात पे बहस करें कि आपने क्या कहा मैंने क्या कहा। मेरे भाइयों, खुदा को मरकर मुंह दिखाना है, हम सब ने मरकर मुंह दिखाना है, ये सारी पार्टी ये सारे रुतबे ये अल्लाह ताला की इनायत है, अगर हमने ईमानदारी से इसको लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे भी अपने कब्र में जवाब देना पड़ेगा, फारूक भाई को और इनके रुफका को और मेरे रुफका को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है लोगों की फलाह के काम करने के लिए, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये रुतबे खत्म हो जाएंगे, मुस्तफा कमाल की चेयरमैनशिप जो है वो मुस्तफा कमाल को कब्र में नहीं बचाएगी, फारूक सत्तार साहब की कन्वीनरशिप फारूक सत्तार को कब्र में नहीं बचाएगी, हमें अपने इस चेयरमैनशिप से के ओहदे से हमें इस कन्वीनरशिप के ओहदे से लोगों की फलाह के इंसानों की फलाह के लिए काम करना है। मैं अपनी पार्टी की जानिब से फारूक भाई को खुदा की कसम खाकर ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, इनके रुफका को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप 2 बजे मुस्तफा कमाल की जात को बिल्कुल बाला ताक रखकर आप इस शहर के किसी मासूम बच्चे किसी माँ किसी बहन बेटी के लिए उसकी फलाह के लिए आप मेरे साथियों को आवाज दोगे। फारूक भाई, आप जहां भी आवाज दोगे मैं आपके साथ और मेरे साथी आपके साथ खड़े होंगे, शाना में शाना मिलाकर हम साथ खड़े होंगे, इंसानों की फलाह के लिए साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा अंदिया है, हम इस पूरे पाकिस्तान की आवाज बनना चाहते हैं। मैं मुहाजिर हूं, फारूक भाई मुहाजिर हैं, फारूक भाई के ज्यादा रुफका मुहाजिर हैं, लेकिन क्या हम इस शहर में ये कहें कि पानी आए तो मुहाजिरों के घरों में आए,
कचरा उठे तो मुआजनों के घरों के आगे से कचरा उठे, क्या पानी दरवाजा नोक करके पूछेगा कि अंदर रह कौन रहा है? पंजाबी रह रहा है, पख्तून रह रहा है, मुआजिर रह रहा है? अगर मुआजिर नहीं रह रहा होगा तो पानी आगे चला जाएगा। नहीं, लाखों इंसान रह रहे हैं। अगर मैं और फारूक भाई लाखों इंसानों की सबकी बात नहीं करेंगे तो अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होगी। तो अगर मुहाजिरों के लिए मुझे खुशी लेनी है तो मुझे दूसरे लोगों की बच्चों की खुशी की परवाह करनी पड़ेगी, वरना मेरे घर में भी खुशी नहीं आएगी। और हम क्यों अपने आप को कॉन्फाइन करें? फारूक भाई के पास टैलेंटेड लोग हैं, फारूक भाई खुद टैलेंटेड आदमी है, हमारे पास एक लाइन लगी हुई है, लोग काबिल पड़े हुए हैं। हम पूरे पाकिस्तान के लोगों की आवाज क्यों ना बने? हम पूरे पाकिस्तान के लोगों की आवाज क्यों ना बने? 2018 में सिंध के लोगों की आवाज बने, आए मिलकर अपना सीएम लेकर आते हैं सुबह सिंध में इंशाल्लाह ताला 2018 में, और 2023 टारगेट करेंगे पाकिस्तान में, हम मुश्तरका जद्दोजहद करके अपना वजीर आजम लेकर आते हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में। जिस तरह से फारूक भाई ने कहा, मर्दमशुमारी का जिक्र किया, हम भी इस मर्दमशुमारी को नहीं मानते, ज्यादती किए। अगर इस मुल्क में आप लोगों को गिनने में ईमानदारी का मुजाहरा नहीं कर सकते, फिर इस मुल्क में आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। हम नहीं मानते, और ये मैं और ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये बात नहीं कर रहे, इस शहर का रहने वाला एक एक दानिश्वर, एक एक सहाफी, एक एक इंटेलेक्चुअल, एक एक सिविल सोसाइटी का आदमी, एक एक रिटायर्ड जज ये बात कह रहा है कि यहाँ पर आबादी को कराची, हैदराबाद जो कि सिंध के दो शहरी इलाके हैं, इसकी 70 लाख आबादी को कम कर दिया गया है। हम इस नाइंसाफी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नाइंसाफी है, हम इसको रद्द करते हैं और मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी हम इसकी जद्दोजहद करते हैं। मैं अरबाब इख्तियार से कहता हूं, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि जिस तरह से आपने बलूचिस्तान के बच्चों को माफ किया है, एंटी एयरक्राफ्ट गने लेकर, रॉकेट लॉन्चर लेकर उनको फूलों का गुलदस्ता देते हैं, 5 लाख का चेक देते हैं उनको, पहाड़ों से उतार कर उनको मेन स्ट्रीम में दाखिल करते हैं, कराची के बच्चों को भी एक दफा माफ करो। ऐ पाकिस्तान के अरबाब अख्तियार लोगों, 300 माओं के बच्चे लापता हैं, 300 माओं के बच्चे लापता हैं, खुदा के वास्ते उन माओं के बच्चों को उनके हवाले कर दो। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उनसे गलती करवाने वाला कोई था। देखो इस 1.5 सालों में जब उस गलती करवाने वाले का दौर खत्म हुआ तो शहर में किसी ने किसी को पत्थर नहीं मारा, हमने आज तक किसी को पत्थर नहीं मारा, इन्हीं लड़कों ने कोई पत्थर नहीं मारा। खुदा के वास्ते एक दफा उनको माफ करो, एक दफा उनको माफ करके उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आओ। इसलिए कि उनके लापता होने से 1800 लोगों की जेलों में पाबंद सलासल होने से अल्ताफ हुसैन साहब को कोई नुकसान नहीं है, अल्ताफ हुसैन साहब को कोई नुकसान नहीं है। उनकी इस डटी पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा की क्रे खत्म करने के लिए, रॉ के एजेंट का ईंधन ना बनने के लिए एक दफा इन लड़कों को एक दफा प्लीज ब्राय मेहरबानी, फारूक भाई ने भी अपील की है, मैंने भी अपील की है, इन बच्चों को एक दफा माफ कर दो। नहीं, और अगर उसके बाद ये गलती करें, हम अपने हाथों से पकड़ कर इनको तुम्हारे हवाले करेंगे, हम अपने हाथों से इनके पकड़ कर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के हवाले करेंगे। ये कांटा निकालना है, ये कांटा कराची के शहर के की माओं के दिलों से निकालना है। एक जंग चल रही थी, आप हमें कहते हैं कि उन्होंने दूसरे लोगों के भी दूसरे भी लोग मरे हैं भाई, शोदा कब्रिस्तान भी भर गया है पूरा शहर का, शहर के सारे कब्रिस्तान इस एमक्यूएम के कारकुनों से भी भर गए हैं। अगर हम ये सिलसिला शुरू करेंगे तो ये ना रुकने वाला सिलसिला है। खुदा के वास्ते एक दफा इस वॉर को, इस जंग को खत्म करके वापस करें, लोगों को नॉर्मल हालात में लेकर आए। मैं फारूक, मैं आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा, आखिरी बात देखिए देखिए, मेरे साथियों से भी मैंने इस बात पर मशवरा नहीं किया। मैं फारूक भाई यहां बैठे, मेरी किसी बात से, और यकीनन मुस्तफा कमाल की और मुस्तफा कमाल के साथियों की किसी बात से फारूक भाई के साथियों की दिल आजारी हुई है। मैं बगैर किसी वर्ड्स को चबाए हुए, बगैर अल्फाजों को चबाए हुए, मैं फारूक भाई से और उनके साथियों से माजरत ख्वाह हूं अगर उनकी दिल की आजारी हुई है। मैं माजरत चाहता हूं, मेरी बातों से अगर उनकी दिल आजारी हुई है, मैं इस कैमरे के सामने मैं माजरत चाहता हूं। मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहा,
मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहा, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, खुदा की कसम में मेरी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग पर्सनली कोई मेरा पर्सनल मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। हम अल्ताफ हुसैन के बुत को गिराने आए थे, हम अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम को नेस्तो नाबूद करने आए थे कि जब तक ये एमक्यूएम जिंदा रहेगी ये अल्ताफ हुसैन का मॉन्स्टर जिंदा रहेगा और लोगों का के खून को वो पीता रहेगा। हम अगर कोई बैकग्राउंड वजह होगी मेरी बातें करने की, उसकी रीजन कोई पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन मैं खुले दिल से मैं फारूक भाई की और इनके रुफका की दिल आजारी हुई है। अगर मेरी बातों पे मैं प्लेनली मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत खा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजी को भूल कर मैं आगे चलने के लिए आपके साथ मैं कदम आप एक कदम चलेंगे, मैं और मेरे साथी आपसे 10 कदम आगे चलते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मंजर भाई अच्छा आप पूछ रहे हमने जितनी बात की है उतनी ही बात है, अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, आपको आखिरी जुमले में उन्होंने बताई बात कि आप तो बताते रहेंगे मीडिया के जरिए। सवाल है, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने यहाँ पर हल्की सी जो है वो डोज भी दी है और छोटी सी अपने जो अल्फाज है दोनों के सामने भी रख दिया है। आपने उस भाई की अजमत को दोनों भाई बहाल करने जाएंगे तो उस भाई की अजमत को कैसे बहाल करेंगे? भाई का लफ्ज मैं समझता हूँ कि हमारी तहजीब और तमद्दुन का हिस्सा रहा है और उस तहजीब और तमद्दुन की अजमत को हम बहाल करेंगे, हर हाल में करेंगे। मंजर भाई, एक मिनट। मेरे ख्याल में हमने पीएसपी के बारे में कोई कमेंट दिया और पीएसपी ने हमारे बारे में कोई कमेंट दिया तो मेरे ख्याल में उसके लिए हम एक अलहदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें आपको जवाब देखिए, मुझे एक और अहम मसले की तरफ भी तवज्जो दिलानी है, वो आर्टिकल 140 ए के तहत बल्दियाती इदारों के इख्तियारात और वसाइल का मामला है, उसकी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक इशू है जिस पर हमें इश्तराक अमल करना होगा और मिलजुल कर कोशिश करनी होगी। ताकि आपका सवाल मुस्तफा भाई से अच्छा तो हमने क्या हम क्या आप आज यहाँ पर बैठे हैं अदालतों को आप सुन लो ना, तुम फोन पे जा रहे हो यार, तुमने सवाल कर लिया, तुम सुन नहीं रहे हो। सुनो, बैठ, एक मिनट। हम क्या आज क्या फारूक सत्तार साहब और मुस्तफा कमाल आज अदालतों को ताला लगा कर आएंगे? क्या आज हम कल से कोर्ट नहीं चलेंगी? और भाई कोई जेलों से लोगों को लेकर आएंगे पीछे जो लोग बैठे हुए सारे? और भाई अदालतें काम कर रही हैं, थाने काम कर रहे हैं, किसी का केस किसी को छुड़वा के लेकर आए भाई, क्या बातें कर रहे हो? देखो, ये 35 सालों वाली बात, ये 30 सालों वाली बात। अच्छा भाई, इस बात पे बहस करो कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सुनो, इस बात पे बात करो कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे। अगर तो हम पहले गलत कर रहे थे, सुनो एक सेकेंड, अगर तो हम पहले गलत कर रहे थे और आज सही कर रहे हैं तो हमें दाद दो। जरूरी ये बहादुरी नहीं है कि 35 सालों से अगर कोई गलती कर रहा था
तो इसलिए कि वो गलती कर रहा था, तो और 35 साल गलती करे, और 35 साल गलती करे, इन चक्करों में बिल्कुल, इन चक्करों में बिल्कुल जो है वो नकार। अच्छा भाई देखिए बात सुने, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा मकसद है, हम उसी मकसद तक अपने आप को महदूद रखना चाहते हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जहां हमारे एक नाम और एक निशान की बात हुई है, MQM ये सियासी इत्तेहाद की बात हुई है, MQM पाकिस्तान अपनी जगह पर कायम है, MQM पाकिस्तान खत्म नहीं हो रही, PSP खत्म नहीं हो रही, ये इस तरह के हमारे आप सियासी इत्तेहाद है। एक मंशूर, एक निशान और एक पार्टी के नाम से आइंदा 2018